पृथकवादी चुनावी व्यवस्था थी। और दूसरा काम किया एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ, एबोल्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। एबोल्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जिस दिन हमने किया, हमने बताया कि इस देश का हर नागरिक, उसकी चाहे जो धार्मिक आस्था हो, उसकी चाहे जो भाषा हो, उसका चाहे जो राज्य हो, उसका चाहे जो लिंग हो, वो समान अधिकार प्राप्त नागरिक है इस देश का। हमारी रूल ऑफ लॉ सोसाइटी है, हमारे देश में संविधान है, हमारे यहां कानून है। संविधान और कानून का मतलब होता है वन विद लॉ इज मेजोरिटी, सारे लोग खड़े हो जाएं, और अगर वो कानून को तोड़ लें तो वो मेजोरिटी नहीं होंगे। अल्टीमेटली एक आदमी जो कानून के मुताबिक आचरण कर रहा है वो मेजोरिटी। कौन मेजोरिटी है और कौन माइनॉरिटी है? हम इस देश के नागरिक हैं। हमारी ये बदकिस्मती है और मेरा ये मानना है कि लंबी गुलामी के कारण हमारे दिल में सत्ता के लिए जो, सत्ता पाने की जो चाहत है, सत्ता में बने रहने की जो चाहत है, वो असाधारण। इसी के लंबे समय तक हम गुलाम रहे। तब ये है कि किसी तरह हम सत्ता में हैं और सत्ता में आ गए तो बस बने रहें किसी तरह। नतीजे में हमेशा हमारे लोगों को, राजनीति करने वाले बहुत सारे, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अंग्रेज का जो तरीका था वही सबसे बढ़िया है, कि एक को कहो कि हम इससे तुम्हारी रक्षा करेंगे, दूसरे को इससे रक्षा करेंगे। और इसके नतीजे में, अरे हमारे देश का संविधान हमें कहता है, हमारे लिए दिशा निर्देश देता है। मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था और मैंने कहा था किसी पार्टी को मैनिफेस्टो लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में एक चैप्टर है, उसका नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार में जो पार्टियां हैं उनको, वो संविधान की शपथ लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान सभा ने कार्यक्रम निश्चित कर दिया था, आने वाली सरकारें इस कार्यक्रम को लागू करेंगी। जो जिसकी हम शपथ लेते हैं उस कार्यक्रम को तो हम लागू नहीं कर रहे। हर चुनाव के मौके पे एक नया मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं जिसे ना खुद पढ़ते हैं ना कोई और पढ़ता है। अरे जिसकी शपथ ले रहे हो, हमारे ऊपर हमारा संविधान, हमारे लिए हमें रास्ता बताया, समान नागरिक, नागरिकों के अधिकार समान है, नागरिकों की जिम्मेदारियां समान होनी चाहिए, नागरिकों की ड्यूटीज समान होनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, वो समान होने चाहिए। हमने सिविल लॉ तो समान किए नहीं, हमने क्या, हम क्रिमिनल लॉ भी अलग अलग बनाए देते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, हमारे राम माधव जी परेशान है, हनुमान जी परेशान, मैं जरा भी परेशान नहीं हूं। ये लॉ, प्रपोज्ड लॉ, दिस कैन नॉट स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, कैन नॉट। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात दूसरी है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसके नतीजे में जिस प्रकार का दुराव पैदा होगा, इसके नतीजे में जिस प्रकार के संदेह पैदा होंगे, इसके नतीजे में जिस प्रकार की दूरियां पैदा होंगी, उन खाइयों को पाटने में समय लगे। ये लॉ कभी, ये सरकार लॉ बनाने की नियत से भी गलतफहमी में मुब्तला मत हुई है। इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था, पहला कमीशन है जिसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया विदाउट एक्शन टेकिंग रिपोर्ट। क्यों? बनाया था चुनाव के पहले, रिपोर्ट आई चुनाव के बाद,
दिलचस्पी खत्म हो गई। अगले चुनाव से पहले यह कर दिया है, चुनाव बाद कोई बात भी नहीं करेगा इसकी, तो वो मुझे परेशान नहीं करता, यूं नहीं करता कि अगर थोड़ी देर के लिए मानिए कानून बन भी जाए तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ऐसा नहीं है कि अगली पार्लियामेंट उसको बदल नहीं सकती। अगर उसमें जो खराबी सामने नजर आ रही है, जो पार्लियामेंट बनाएगी वही कुछ दिन के बाद बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी उसको, मुझे इतना सा भी संदेह नहीं, लेकिन वो कानून बनाने की नीयत नहीं है। तो जैसे अंग्रेजी में अगर कहें, दिस इज ए स्क्वैलिड वोट ग्रबिंग एक्सरसाइज बाय डिवाइडिंग द सोसाइटी, खालिस अपने लोगों को लड़ा के, अरे भाई वोट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई वोट वोट की हासिल करने की समर्थन जुटाने की कोशिश कोई गलत काम नहीं है। आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, वो गलत काम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे के घर डाका डाल के, दूसरे की हत्या करके अगर वो कमाना चाहता है तो वो गलत है। आप समर्थन जुटाइए, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने लोगों को लड़ा के उनके बीच में दुराव पैदा कर, और मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में प्रपोजल आया माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाने का, 1990 में बनी, मैं सरकार में था, मुझे आज भी याद है, छपा भी है अखबारों में, मैं कोई रहस्य उद्घाटन नहीं कर रहा हूं। मैंने कैबिनेट की कमेटी थी उसके सामने ये मामला आया, मैं भी था वहां पर, मेंबर था उसका, मैंने कहा, मैं क्या, मैं अपना एतराज दर्ज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिसेंट है वो नोट कर ली जाए, ताकि कम से कम ये दस्तावेज में दस्तावेजी सबूत रहे क्यों विरोधी हूं। मैं क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाने का, चूंकि जैसा मैंने पहले कहा, एक तो हमारा प्री कंसीव नोशन है, माइनॉरिटी कहा तो माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम्स, माइनॉरिटी का मतलब क्रिश्चियन, क्यों अंग्रेज ने हमारे दिमाग में वो बिठाया हुआ है। तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पे कहीं ना, मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ देख के कहा, मैंने कहा निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो उन लोगों को जिन्हें आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, मैंने कहा मुझे तो अगर कोई माइनॉरिटी कह दे तो ऐसे लगता है जैसे गाली दे दी, मैं भारत का समान अधिकार प्राप्त नागरिक हूं, किसी सेंस में भी राम माधव से कम नहीं हूं, ज्यादा नहीं मानता लेकिन कम नहीं हूं किसी सेंस में, लेकिन जिन्हें आप माइनॉरिटी मानते हैं आपका यह मानना है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैंने कहा लाइए फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे दीजिए, 3 महीने के अंदर बताता हूं इंसाफ कैसे होता है। अरे क्या है, चेयरमैन को बैंकों को बुलाइए, मुझे साल भर की चाहिए, कितनी एप्लीकेशन आई है, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं उसमें एग्जामिन नहीं करा सकता कि क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि जहां ना इंसाफी हुई है और बगैर सही वजह के लोन देने से इनकार किया गया, और अगर ऐसे आप 2 केस पकड़ लीजिए, 2 को के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, 3 महीने के अंदर देखिए उसके बाद, और उनको टाइम दे दीजिए 6 महीने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बना रहे हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। आज की तारीख में अगर कोई आदमी ऐसा काम कर भी रहा है जिसे ठीक किया जा सकता है, कल को उसे एक नैतिक समर्थन मिल जाएगा, और जब जिसे आप मैं नहीं कहता माइनॉरिटी, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, अब जब वो बैंक में जाएगा तो ये उससे कहेगा कि तुम्हारे लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बन गई, और मैंने कहा इस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास रिक्शे तांगे वालों की जरूरत के लायक भी पैसा नहीं होगा, और आम तौर से इस देश में जो गैर मुस्लिम है वो ये समझेंगे कि अच्छा वित्तीय मामलों में भी इनके लिए अलग से संस्था बनाई जा रही है। तो मैंने कहा जो दुराव आप पैदा करेंगे उसमें उनका फायदा नहीं, नुकसान होगा। लेकिन मैंने कहा मेरी बदकिस्मती यह है कि जिसका नुकसान होने जा रहा है वो ताली बजा रहा है,
इसलिए मैं और मैंने शाबानों में इस्तीफा देके देख चुका हूं, तो मैंने कहा मैं बाहर जाके नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन यहां मैं इंसिस्ट करता हूं कि मेरी राय को नोट किया जाए। और जो मैंने कहा था एक महीने पहले, बैंकों की रिपोर्ट आई है, पढ़ लीजिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सेंटर की और स्टेट की बनने के बाद जिन्हें सरकारें माइनॉरिटी कहती हैं और आमतौर से माइनॉरिटी समझा जाता है, उन्हें बैंक से मिलने वाले कर्जों में उनके अनुपात में कमी आई। एग्जैक्टली वही हुआ जिसका मैंने डर बताया था कि यह होगा इसके नतीजे। तो उर्दू में बड़ा खूबसूरत सा शेर है, उनका खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। जो अकल की बात है अगर उसी को, जो बेअकली की बात है अगर उसी को अकल बताया जाने लगे तो ठीक है, तजर्बा करके देख लीजिए। आपने वो तजर्बा करके देखा, इसको भी, ये तो होने वाला नहीं है तजर्बा, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये तो चुनाव तक की बात है सिर्फ, लेकिन इसे भी तजर्बा करके देख लीजिए। अरे हम कहां ले जाना चाह रहे हैं भारत को, जहां हम ये कहेंगे कि हमारे देश में अगर मुझे लगता है कि शर्म ना, मेरा ये मानना है मेरे नजदीक दंगाई सिर्फ दंगाई है, ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है, दंगाई दंगाई, हिंसा करने वाला हिंसा करने वाला है। मेरे नजदीक इसका बिल्कुल महत्व नहीं है कि 10 आदमी मारे गए या 1000 मारे गए या 1 मारे गए, एक मासूम आदमी को अगर कहीं मारा जाता है तो वो इंसानियत की हत्या। अगर हमें लगता है कि ऐसे मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा, तो मैंने, मुझे बताया गया कि हमारे, चूंकि अंजनैया साहब डीजी रहे, मैं भी तो सरकार में रहने के नाते और होम मिनिस्ट्री के नाते थोड़ा बहुत, और वकील के नाते भी, वकील तो नहीं, वकालत पढ़ने के नाते थोड़ा बहुत वाकिफ हूं, हमारे लॉज हैं और अगर लॉज में कोई कमी है, कोई लूप होल्स है, तो उनको, उनका इंतजाम किया जा सकता है, उन लॉज को स्ट्रेंथिन किया जा सकता है, उस सिस्टम को स्ट्रेंथिन किया जा सकता है। लेकिन हम बीमारी का इलाज, यहां तो ऐसे है कि वो कोई समस्या आ जाए हमारे यहां, एक नया कानून बना दो, अरे भाई पुराने कानून को तो तुम लागू नहीं कर रहे, नया कानून बना दो हर चीज के लिए, एक कानून का जंगल बना दिया, एक दूसरे से कानून टकरा रहे। अगर आपको लगता है उसको स्ट्रेंथिन कीजिए। और मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी मैं पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन राम माधव जी शायद ये कह रहे थे कि एक तरह से जो गवर्नर का अधिकार है कि इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसका मतलब है कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यही मतलब था ना आपका, वो हक इस कमेटी को दिया जा रहा। मैं कहता हूं इसमें कौन सी खास बात, आप पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके ये बात कर सकते हैं, लॉ बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी कोई स्टेट अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में सफल नहीं होगी तो ये पार्लियामेंट, चुने हुए प्रतिनिधियों की पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास करती है कि उसमें कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं, इसलिए कि वरना तो खास तौर से सरकारें गिराने के लिए दंगे कराए जाने लगेंगे, ये भी हो जाएगा, लेकिन कुछ लगाई जा सकती है कि अगर इतने दिन तक कंट्रोल नहीं होता, अगर इनको क्यों एक किसी थाने के एरिया में अगर एक कत्ल होता है तो अंजनी साहब अगर मैं, मुझे सही याद है तो थानेदार की एंट्री होती है अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसी तरह का पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन कर सकती है, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये सब जैसा मैंने पहले कहा कि ये इसके लिए नहीं है कि वाकई इंसाफ दिलाने की नीयत, ये इसके लिए है क्योंकि लोगों की समझ में ये आता है कि इंसान की एक कमजोरी है, साइकोलॉजिकल कमजोरी ये है कि वो दोस्ती में अपने घर को आग नहीं लगाता लेकिन दुश्मनी में लगा देता है। तो वो राजनीति करने वाला सोचता है कि दोस्ती मत पैदा कराओ, दुश्मनी पैदा कराओ, फिर ये हमारे समर्थक ज्यादा मजबूत बनेंगे, उसके लिए ये सब हो रहा है। हमने इसके बड़े खराब नतीजे उठाए हैं, लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज को बांटने वाले,
हमारे बीच में दीवारें उठाने वाले वो थे जो सात समंदर पार से आए थे। उसके नतीजे में हम किस आग और खून के दरिया से हम निकले, इस देश का विभाजन हुआ है, उसने हमारे मन मस्तिष्क को पैसा डाला है। लेकिन आज जब ये काम अपने वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टियां करने लगे तो ये कितना शर्मनाक है और ये कितना खतरनाक है, इसका सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं। मैं आखिर में फिर ये कहते हुए कि अपने ध्यान रखिए, जो लोग अपने इतिहास को याद दें, इतिहास सबक हासिल करने के लिए, सीख लेने के लिए, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा स्रोत, और इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करता जो इतिहास को याद नहीं रखते, फिर इतिहास अपने आप को दोहराता है। और निश्चित तौर पर यह देश उस खूनी इतिहास को दोहराने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें अगर अपने समाज में भाईचारा, आप भाईचारे को भी छोड़ दीजिए, भाईचारा तो है ही, हमें आप जो जिसे कहते हैं एकीकृत राष्ट्र, वन नेशन, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम एक राष्ट्र हैं, और हम इस राष्ट्र को अंदर से टूटने की किसी कोशिश को किसी कीमत पर भी अच्छी नजर से नहीं देख सकते। और ध्यान रखिए, जो देश के लोग अपने राष्ट्रीय दायित्व को चंद लोगों को सौंप देते हैं उन्हें हमेशा मायूसी होती है, और जो उस दायित्व को अपने हाथ में लेते हैं उनकी एकता को, उनकी राष्ट्रीयता को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।